वहीं मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के बयान पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आपकी बस के अंदर छेड़छाड़ होती है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही गृह मंत्री हैं। वो दलित महिला आज भी शव रखकर न्याय की गुहार लगाए है, उसके शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा। बादल सरकार इतनी निर्दयी बन गई है कि जाकर उनसे बात करने को तैयार नहीं, दो आंसू पोंछने को तैयार नहीं, और अब उनके मंत्री इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। ये लगातार कोशिश हो रही है जख्मों के नमक छिड़कने की। पहले यही बात हरसिमरत कौर ने की भी, हम देखेंगे किसकी ये बस सर्विस है, ऑर्बिट कौन चलाता है, कौन मालिक है। आज उसी तरीके से उसी लाइन पे चलते हुए उनके जो बहुत ही सीनियर कैबिनेट मंत्री रखड़ा साहब हैं, उन्होंने ये कहा भी ये भगवान की मर्जी है, कुदरत की मर्जी है, ये होना था हो गया। बहुत ही दुख से, इसके बजाय होना ये चाहिए था आज तक वहाँ पे उस लड़की के पास एक भी कोई कैबिनेट मंत्री, एक भी बादल परिवार का मेंबर अभी तक नहीं पहुँचा। उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, इससे पता चलता है भी लोगों के लिए उनके मन में क्या भावना है। देखिए, मैं इसमें सरकार की पूरी तरह से विफलता है, जो अगर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बसों में जा रही हैं, वहां पे उनके साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, यहां तक कि नौबत ये आ रही है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, उनके साथ इस तरह से बलात्कार किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही एक सबके लिए, मैं समझती हूँ सारे देश के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, और इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऑर्बिट बस बंद होगी तभी हमारी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। हम चाहते हैं कि जो दर्दनाक हादसा हमारी बच्ची के साथ हुआ वो किसी और बच्ची के साथ ना हो, जैसे दिल्ली में वो टैक्सी बंद हुई थी रेप के बाद, इसलिए पंजाब में ये ऑर्बिट भी बंद होनी चाहिए। सत्ता और पैसे के नशे में ये कहते हैं कि भगवान ने कर दिया, गुंडा कर दे करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए भगवान किसी से नहीं कहता। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे बेतुके और घटिया बयान देते हुए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।